हमारे साथ हैं श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। क्या है इनकी कुछ नई योजना जो इस समय लोगों के लिए खास ज़रूरत है, उससे कुछ फायदे होने वाले हैं, कुछ नई योजना के बारे में? देखिए, आज देश को 2/3 आबादी नौजवानों की है और नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए आज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने की ज़रूरत है और केंद्र और राज्य सरकार इस तरह की योजनाओं के माध्यम से 137 से ज़्यादा ट्रेड में प्रशिक्षण दे रही है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे रहा है। आज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक नया भविष्य नौजवानों को दिखाई पड़ रहा है, जिसमें करोड़ों लोग को रोजगार का अवसर का सृजन हो रहा है। ये आज से कुछ दिन पहले तक नहीं था। आज डिजिटल मार्केटिंग में छोटे छोटे शहरों में भी रोजगार का अवसर का सृजन हो रहा है। हर वस्तु हर सामान को घर तक पहुंचाने के लिए कई नौजवान इस में अपना रोजगार भविष्य को तलाश रहे हैं और लगे हुए हैं। तो आज इस तरह के कई क्षेत्र हैं जहां पर कि नौजवानों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का, नए रोजगार के सृजन का और नए ट्रेड, जिसका कि पहले परंपरागत व्यवस्था में चलता था, अब नई व्यवस्था के अंदर हम लोग इसको आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और यह 2/3 युवाओं की आबादी जो देश का है, उसको एक सकारात्मक भाव में ले जाने का प्रारंभ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो है, उसके ज़रिए भी कई तरह के काम लोगों को मिलता है। अभी वर्तमान समय में नगर निगम में हड़ताल चल रहा है, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। वहां पर आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू 2200 मजदूरों के रखने की बात कही, इसको लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार हड़ताल जारी है। देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ भी रोजगार का सृजन करता है और रोजगार का अवसर देता है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग कंपनी को लेबर डिपार्टमेंट पूरी तरह से चिन्हित कर रहा है। जो हमारे एक्ट का पालन नहीं करेगा, मिनिमम वेजेस का पालन नहीं करेगा, ESI EPF का पालन नहीं करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं इस पर डिसीजन भी लेने जा रहा हूँ और ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियों को चिन्हित कर करके पूरी शक्ति के साथ बिहार में दोहन शोषण श्रमिकों का नहीं करने देंगे। श्रमिकों की सुरक्षा और उसका दोहन शोषण नहीं हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगी। लेकिन वर्तमान समय में जो 4300 मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उनका हड़ताल जारी है और वह अपने तरीके से विरोध का, जो उनका अपना तरीका है, शहर को गंदगी कर रहे हैं, फैला रहे हैं, मंत्री आवास के बाहर में मरे हुए पशु फेंक रहे हैं, इसका कुछ निदान तो होना चाहिए। नहीं, ये गलत है, इस तरह की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। कोई भी श्रमिक या मजदूर के साथ गलत हो रहा है, उसको लग रहा है कि मुझको दमन किया जा रहा है, तो वो अपनी बात को सरकार के समक्ष रखनी चाहिए तरीके से, शालीनता के साथ। लेबर डिपार्टमेंट भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप अराजकता पैदा कर करके और वातावरण को दूषित कर करके और लोकतांत्रिक ढंग से दबाव की व्यवस्था बनाएंगे तो सरकार की सहानुभूति समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है कि यह जो 4300 मजदूर हैं, उसमें 2200 मजदूर को आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू रखा जाएगा, तो यह 4300 जो मजदूर हैं, उन्हीं में से 2200 का चयन होगा या अलग से कुछ रोजगार देंगे? अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जानकारी अभी उपलब्ध हुई नहीं है। और ये कौन से आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये 4300 मजदूर डेली वेजेस पर किनके माध्यम से काम कर रहे थे, ये सब की जानकारी हमारे पास आएगी, हम निश्चित तौर पर इसका जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो ये थे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाएं हैं और कुछ दिन बाद उसका असर भी दिखेगा, लेकिन वर्तमान समय में पटना नगर निगम के जो दैनिक मजदूर हैं, लगातार हड़ताल पे हैं और सोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू 2200 मजदूर रखने की बात कही जा रही है, इस बात को वो मान नहीं रहे हैं और उनका हड़ताल लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह हड़ताल कब समाप्त होगी, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।